वही शहर में कौन कौन रहते हैं रे। ये कौन है भाई, ये कौन थे यार, तूने किसी को बुला लिया क्या? घर भर तो अच्छी तरह बना है, कौन रहता है बाहर, तो आ जाओ घर से। ओ बो वो दिखा कोई डायमंड ढोनिया, आर्मर में। ये कौन है भाई? आप कौन जनाब? हमारा नाम है चुटकू, कमर को मैं मटकू, चल बे निकल यहाँ से फट्टू। मैं न्योर को मार दिया, न्योर को मार ए, मुझे मत मार, देख। और आप न्योर को थोड़ा सा अकेला छोड़ो, आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। ये एमरल मुझे मत दिखाओ, मैं इस एमरल के बारे में लालच में नहीं पड़ने वाला। रॉ टाइटेनियम वगैरह आप आकर बोल रहे हो, रॉ टाइटेनियम मुझे दे दो, रॉ टाइटेनियम हमें पता ही नहीं है। आप बोले ना, आप बोले निया, आप बोले न्योर पीछे रहे, पीछे रहे न्योर, मैं छोट चला दूंगा न्योर, बोल रहा हूँ तुझे, पीछे रख लो, नीले रख ले, नीले पीछे रहे, रख ले, नीले पीछे रहे। ये ले पानी, ये ले पानी, ये ले पानी, रख ले। तो तो गाइस नशे, मुझे कुछ तो नो मर्सी का कुछ कॉन्स्पिरेसी लग रही है। एमरेल तो मुझे चाहिए, मुझे वो थोड़ा सा सस्पिशियस भी लग रहा है। अगर वो बंदा जो अभी आने वाला है वो भी उसका ही गैंग वाला हो, और शायद नोमर्सी मेरे सफलता को नहीं चाहता। मुझे जो भी हो एमरल्ड को तो पाना ही है। तो गाइज अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर बोन मील वगैरह मार दिया है पूरा, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रास वगैरह उगा दिया है। और गाइज मैंने जो बोला था ना, कोई एक आदमी आने वाला है तो शायद से वो आएगा, तो मैं उसके लिए ही वेट कर रहा हूँ। कहाँ से आएगा मुझे भी नहीं पता, रुको जरा, थोड़ा सा यहीं पर ही वेट करता हूँ मैं। वो कौन है? अरे वही तो है, अरे रोबोट जी, नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। अरे यार पानी से आना पड़ा आपको, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा वहां पर मैं बोट लगा दूंगा यार, मैं काम कर दूंगा यही सब। थोड़ा अभी मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्शन में जीतूंगा। हाँ वैसे आपका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा तो चल रहा है अभी। लेकिन मेरा जो ओपोजिट कॉम्पिटिटर है, मतलब सियान नेशनल कांग्रेस SNC, वो भी बहुत अच्छे कंपटीटर है मेरे, मेरे अच्छे कंपटीटर है, बहुत टफ गेम दे रहे हैं मुझको। तो ओके ये आप एक ले लीजिए, ये क्या है? ये कुछ पैम्पलेट्स। हाँ, तो या मैं वो लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर लगाना है ना? हाँ ये 19 पैम्पलेट्स ले लीजिए आप, एडवर्टाइजमेंट जरूर चाहिए, आपके सिटी का वोट मुझे ही चाहिए, ठीक है। हाँ, जरूर जरूर। आप घर घर पानी होगा, घर घर गैस सिलेंडर होगा, घर घर एमरेल्ड होगा, घर घर पैसे होंगे, मैं ये आपको वादा करता हूँ। हमारे यहाँ पर एक नियम है रावत जी कि हम लोग खाना देते हैं तो आप लोग, आपको भी मैंने थोड़ा सा ब्रेड दे दिया। ये नियम मैंने बनाया है ताकि मैं टूरिस्ट को थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकूँ। लेकिन एक बात बोलता हूँ, खाना असल में मुझे आप लोगों को देना चाहिए। अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं ये वादा करता हूँ कि घर घर कोई भी इंसान भूख पेट नहीं सोएगा, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छे, तो आइए आप मेरे पीछे पीछे आइए, आपको मैं एक बंदे से मिलाता हूँ, आइए। हाँ चलिए। हेलो नियर, हाँ ये देखो ये कौन आया है हमारे सिटी पर, ये है प्रेसिडेंट, मतलब कि MLA, प्रेसिडेंट तो अभी बनने वाले हैं यार। ये है हमारे सियान कंट्री के MLA रोबोट, और रोबोट जी ये है नियर मेरा भाई, हेलो। MLA हेलो मतलब, नियर। हाँ तो ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं अभी, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी एक काम कीजिए, आप भी ये 17 पैम्पलेट्स ले लीजिए और पूरा एडवर्टाइजमेंट करिए मेरे 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 दल का, और मुझे इलेक्शन में जिताए। आप हमारे यहाँ न्यू आए हैं तो आपको मैं कुछ फूल देना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ये मैं घर में सजा के रखूँगा। दुनिया और सुनो,
सुनो, तो मैंने तुमको लास्ट एपिसोड में बोला था ना कि एक आदमी आएंगे हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो इनसे मैं सारा का सारा कुछ बात कर सकता हूँ। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है ये मेरे। ओके, मतलब कि ये हमारे प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं जल्द ही, मतलब कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ? मुझे पता है यही जीतेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे बंदे हैं। हाँ, तो ये इनको बता सकता हूँ हम लोगों का प्रॉब्लम, ये ज़रूर सॉल्व कर देंगे हम लोगों का प्रॉब्लम। हाँ ठीक है ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो रॉबर्ट जी आप सुनिए, बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आप एक काम कीजिए, आप हमारा टाइटन टावर एक बार देख लीजिए। चलिए, ये वाला था। हाँ ये वाला टावर, ये वाला टावर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया, ये देखिए आप। सुंदर तो है, मतलब कि ये हमारा टाइटन सिटी को डेडिकेट करेंगे, पर इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। आप यहाँ पर ही नहीं, नहीं रिलेट हो या नहीं, रिलेटेबल हो या नहीं, मुझे अच्छा लगा। आइए रॉबर्ट जी आइए, यहाँ पर आइए आप। बोलिए, आप एक कोने पर आइए, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी सूप रखा है। कौन सा दिखाता हूँ, इस कोने पे। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कॉबलस्टोन है ना, तो इन कॉबलस्टोन के नीचे रखा हुआ है। नहीं और थोड़ा सा, तो रॉबर्ट जी थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप, मैं इनको तोड़ता हूँ। ये देखो इनसे, इसके अंदर देखो क्या है, आप देखिए खुद देखिए। इसके अंदर देखिए क्या है, ओ माय गॉड, जानते हो ये कितना रेयर है। ये हमें, मतलब कि ये हमें जब हम लोग माइनिंग कर रहे थे तब हमें ये मिला, मतलब कि हम लोग कॉपर वगैरह माइन कर रहे, कॉपर रोड बनाना पड़ता है ना, तो वहाँ पर चाहिए था हम लोगों को कॉबल स्टोन जब माइन करने गए थे, कॉपर भी माइन कर रहे थे, तो कॉपर के बीच में हम लोगों को ये टाइटेनियम मिल गया। ये जानते हो कितना रेयर चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर मिलता है और कुछ कुछ ज़्यादा जगह पर मिलता है, जैसे एम्पेरियल सिटी वहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। हाँ पर हम बहुत बड़ी अभी मुसीबत में फंस गए हैं, तो आप अगर ये सॉल्व कर दे तो हम आपको ज़रूर वोट करेंगे। तो मुसीबत बताइए मुझे क्या है। मुसीबत यह है कि आप इल्लीगल बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं। इल्लीगल बिजनेसमैन हमारे सियान कंट्री पे बहुत हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता अभी, लेकिन यहाँ पर जो ये टाइटेनियम का नाम तो चल रहा है ना, तो मैं टाइटेनियम का ही इल्लीगल बिजनेसमैन बता देता हूँ कौन है, चुटकू। हाँ यार सुन रहे हो। हाँ तो वही आया था हम लोगों के सिटी पर लास्ट एपिसोड में, क्या होगा अब, मतलब उसका अब नजर पड़ चुका है तुम्हारे सिटी पर। हाँ। मतलब इल्लीगल बिजनेसमैन, उसने मुझे हम लोगों को नहीं बताया, ये उसने बताया कि बिजनेसमैन है, उसने बताया कि बिजनेसमैन है, पर ऐसा उसके बातों से लगता है कि वो इल्लीगल बिजनेसमैन है, मतलब कि उसके जो, मतलब कि वो ढूंढ रहा था, मतलब कि यहाँ से वहाँ। मैं एक बात बोलता हूँ, उसको ज़्यादा भाव मत, तो बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत खतरनाक, पैसों का लालच भी दे सकता है, पहले बोल देता हूँ। डर नहीं लगता हम लोगों को, बट टाइटन सिटी को कुछ नुकसान हो जाएगा इसलिए हमको डर लगता है। टाइटेनियम तीन स्टेज पर मिलते हैं, रॉ टाइटेनियम, ये वाला मेरा सैंपल है, ये तुम्हारे चेस्ट वाला नहीं है। चेस्ट वाला नहीं, और तुमने दे दिया ना, चेस्ट वाला नहीं दिया है, ये रख लो तुम्हारा चेस्ट वाला। टाइटेनियम एक भी चीज़ मत रखो, इन आप उनको दे दो। और ये है टाइटेनियम इंगट, देख सकते हो तुम लोग, और ये है टाइटेनियम ब्लॉक। टाइटेनियम ब्लॉक भी है, ये ले लो, ये सारे बहुत रेयर चीज हैं, इतने रेयर है कि डेब्रिस भी एक बार मिल जाए, लेकिन ये बहुत रेयर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इल्लीगल बिजनेसमैन को तुम्हारा ये जो रेयर चीज है ये सब मत दो, क्योंकि ये सब अगर उनके हाथों में पड़ गया तो ये सब कुछ रेयर चीज़ें एक्सटिंक्शन पे चला जाएगा। एक्सटिंक्शन मतलब तो जानते हो ना, एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ अगर ये ख़त्म हो गए
तो एक रेयर चीज तुम्हारे हाथों से चला जाएगा, जैसे जैसे अरब में तेल मिलता है वैसे टाइटन सिटी पर टाइटेनियम मिलता है भाई। मतलब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले गए हैं, मतलब हमको अपने से डर नहीं लगता पर इस टाइटन सिटी से लगता है। मतलब टाइटन सिटी को हमने इतने मतलब अच्छे से हमने इसको बिल्ड किया है, हमको टाइटन टावर बनाने में ही बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है इसके लिए, और ये इतने इजीली हम डिस्ट्रॉय तो होने नहीं दे सकते। अब मैं बोल देता हूँ, इन सब गुंडों फिरंगियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, खुल के जियो, और ये जो सस्ते ये सब गुंडे आ रहे इनसे डरो मत, और ये जो तुम्हारे सिटी में ये जो टाइटेनियम है इसको यूटिलाइज करो और बहुत प्यार से रखना, क्योंकि अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो जानते हो तुम लोग एक अरब देश, मतलब कुछ भी अरब देश ले सकते हो, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी तुम एग्जांपल ले सकते हो। उन लोगों ने तेल से आज क्या देश बना दिया जानते हो, नीचे तेल है और ऊपर में बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया। तुम लोग भी कर सकते हो, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी गलत हाथों में मत देना ये टाइटेनियम, ये तुम्हारा है। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इनको प्रिजर्व करने की। ये तुम्हारा रॉ टाइटेनियम रख लो। थैंक यू। और इसको आज से हम लोग छुपा कर नहीं रखेंगे, इसको हम लोग एक म्यूजियम बनाएंगे और म्यूजियम के अंदर सजा कर रखेंगे। ये हुई बात। और हमें डर नहीं लगता। हाँ, इन गुंडों वगैरह के चंगुल में मत फंसना, क्योंकि ये लोग पैसों की लालच देंगे, और पैसों की लालच में कभी मत पड़ना, पहले ही बोल देता, खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। हम कभी भी हम बुरे काम नहीं करते, हम टाइटेनियम को खोजेंगे और रखेंगे म्यूजियम पर रखेंगे, हमको किसी से भी डर नहीं लगता अभी। ये हुई बात। और अब मैं बोल लेता हूँ, मैं मुझे जाना है अभी, प्लीज़ मुझे रोकिए मत, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी दूसरे सिटी पे भी कैंपिंग करना है, तो प्लीज़ मैं चलता हूँ, थैंक यू। और एक आपसे वादा करता हूँ, मैं आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे, मतलब कि शायद से आप प्रेसिडेंट बनकर ही आओगे, तो यहाँ पर आपका बड़े बड़े पोस्टर्स देखने को मिलेंगे ही, तो ये प्रॉमिस है आपसे। शायद बन पाऊँ। शायद ही आप बनेंगे, मेरा आपसे वादा है। ये कॉन्फिडेंस देने के लिए थैंक यू। सो एट लास्ट टाइम हमारा वोट आपके साथ। थैंक यू, बाय बाय। बाय 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 रोबर्ट जी, फिर से आइएगा ज़रूर, और इन सब गुंडे मवाले से हम लोग दूर रहेंगे, ज़रूर बोलते हैं हम लोग। यार हाँ, अभी मैंने तो रॉबर्ट जी को वादा कर दिया है। हाँ, म्यूजियम बनाए। हाँ, एक जोश भी आ गया है, तो हम ज़रूर म्यूजियम एक बनाएंगे, और मुझे थोड़ा सा आइडिया भी आएगा। या तुम्हारा आइडिया तो बेस्ट होता है यार, अभी बनाते हैं। हाँ चलो, तो अभी हम लोग क्या कुछ किस से बनाओगे बोलो पहले। आई थिंक सो वाइट कंक्रीट टाइप, क्योंकि म्यूजियम में वाइट कलर ही थोड़ा सा सूट करता है, मतलब ठीक है। हाँ, वाइट कलर और वुड वगैरह तो यूज करेंगे जरूर। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, तो कलेक्ट करते हैं चीजें, और गाइस आप लोग एक छोटा सा टाइम लैप्स देख लीजिए, बहुत बढ़िया म्यूजियम बनाने जा रहे हैं, और म्यूजियम बनाएंगे भी तो किसी से जो उठाएंगे ना, तो अगर उठाएंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या